विपद जी, वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं में पहले तो सरकार ने निर्यात पर बैन लगा दिया, अब गेहूं के जो उत्पादन के आंकड़े हैं उसमें भी अब कमी बताई जा रही है, सरकारी अनुमान में कटौती की गई है। दूसरा, USDA की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि जो सरकारी उत्पादन अनुमान है उससे भी कम गेहूं उत्पादन इस बार भारत में रहेगा। और रूपा जी, देख रहे हैं कि जो फिर से स्टॉक होने लगा है और ग्लोबल वीट की जो प्राइजेज है उनमें तेजी आने लगी है, तो इसका असर अब कुल मिलाकर भारत में गेहूं के प्राइसेस पर कैसा रह सकता है? देखिए, अभी आगे प्रोडक्शन कैसा होगा, अभी तो आंखें निकल कर आ रहे हैं, और एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसा होगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, हमारे यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो डिमांड हमारे यहाँ पर भी है, और विदेशों से भी डिमांड जो है वो निकल रही है, और जो एक्सपोर्ट का बैन लगा है उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसेस जो है नीचे आते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है खुलते हैं, वापस से तेजी बनती हुई वीक में देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, अभी हल्का मार्केट करेक्शन में आता हुआ जरूर दिखाई दिया, और जो करंट लेवल है यहाँ से 50-100 रुपए प्रति क्विंटल की और गिरावट एक बार बनती हुई दिखाई दे सकती है जी।